ये घड़ी खुली है बंद है। फिलहाल स्कूल पहुंच चुके हैं एंड पार्थ कह रहा है कि एंट्री करवाएगा स्कूल में। फिलहाल पार्थ ने एंट्री करा दी। भाई छाती दिखाओ, छाती पार्थ भाई की छाती देखो कितनी बड़ी है भाई। 200 रुपए बता रहा है। चल 200 दूंगा, अभी दूंगा, हाथ तो हाथ दूंगा। Hi guys, welcome back to our channel. अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। Finally the day is here. आज है मेरा farewell, but अभी मैं तुम्हारे को अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में दिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पहले प्रैक्टिकल देने जा रहा हूँ, फिर मैं farewell की आफ्टर पार्टी में जाऊँगा। तो अभी जस्ट हाँ इन्होंने मेरे को बीच में रुकवा दिया। बाकी अभी जस्ट मैं हो रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा था मैं, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। हाँ अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिकल देने अपना, उसके बाद मैं आके तैयार होऊंगा एंड फेयरवेल के जाएंगे। और आज है मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल, तो अभी तो मैं थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करूँगा, मेन मैं फिर बाद में स्टार्ट करूँगा। बस अभी राज का वेट कर रहा हूँ, फिर हम दोनों प्रैक्टिकल देने जाएंगे एंड घूम करके आएंगे। कुछ नहीं पढ़ा हम दोनों ने। अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल देने। वो यार घड़ी लाना भूल गया। क्यों घड़ी का क्या करना था मेरी बहन को? अरे तरुण एक बात है, ये घड़ी खुली है बंद है? बंद है। ये कभी चार्ज नहीं करता गाइस, इसे टाइम नहीं मिलता, बस पहन लेता हूँ जॉब के लिए। वेल गाइस अभी जस्ट दे आए हैं प्रैक्टिकल और राज भाई पूरे स्कूल में बच्चे घुमा रहा था, खुद घुमा रहा था ये, मेरे को ये आगे चल रहा है, सारे बच्चे पीछे चल रहे हैं। प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुला लिया हमें कि भाई इन्हें वापस भेज दो बच्चों को। सर ने कहा कि बस तुम लोग चले जाओ, हो जाएगा सब कुछ, हो जाएगा सब कुछ। वो भी परेशान हो गए क्योंकि पूरे स्कूल में भाग रहे बच्चे। चलो जी अभी फिलहाल घर जाते हैं, बारिश आ चुकी है। ऑल राइट गाइस, जस्ट अभी राज को छोड़ दिया है एंड मैं भी घर आ चुका हूँ। भाई बारिश आ रही है मस्त, ये देखो आई गेस तुम्हें दिख रही होगी। और थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई खराब ना हो जाए पार्टी क्योंकि डीजे वगैरह फिर बंद करने पड़ेंगे। बारिश आ गई तो भाई सब कुछ ही स्पॉइल हो गया, बट लेट्स प्रे कि बारिश ना हो। बाकी हाँ अभी जस्ट जाता हूँ, रेडी होता हूँ मैं, घर आ चुका हूँ। प्रैक्टिकल तो भाई मज़ा ही आ गया, जिन्होंने हमारा प्रैक्टिकल लिया उन्होंने हमारे से फोटो कराई और भाई ये बेस्ट फीलिंग थी। पूरे बच्चे स्कूल में भाग रहे थे, अलग ही मज़ा आ रहा था। तो अभी बस फिलहाल घर आया हूँ, रेडी होता हूँ फिर मिलता हूँ। ऑल सेट गाइज, हियर इज माय आउटफिट, ये शर्ट है, इसके पीछे मेरा सूट है एंड अभी जस्ट मैं रेडी होऊंगा। और वैसे मैं नहा तो पहले ही जा चुका था, मैं स्कूल जाने से पहले नहा के गया था, बस फेस वॉश अच्छे से करता हूँ एंड वैसे लगता है ऐसा रहा हूँ नहाया भी नहीं हूँ, बट अच्छे से अभी देखना जब रेडी होऊंगा फिर लगूँगा नहाया हूँ क्योंकि मैं लंच भी वेयर करने वाला हूँ और थोड़ा सा भी सही करना अभी। ऑल राइट गाइस, ये जस्ट मैंने थोड़ी सी कर ली, यहाँ से तो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा टच रखा है बीएड का कि बिल्कुल भी नहीं हटाई, कि प्रॉपर थोड़ा थोड़ा रखा है क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा पसंद है शेड आया बीएड का। और वैसे प्रॉपर बीएड तो नहीं रखी है अभी मेरी, इतनी ज़्यादा आती नहीं है, बट हाँ जितनी आती है वो भी इतनी अच्छी नहीं आती, तो इसलिए मैं लाइट रखता हूँ बहुत। बाकी ये पूरा क्लीन है एंड अभी बस रेडी होते हैं। ओह गाइस, फिटिंग बहुत सही आई है, काफ़ी सही फिटिंग है एंड जस्ट अभी ट्रायल कर रहा हूँ। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ऑल राइट गाइज, अभी जस्ट शर्ट, अपनी वॉच, ये जिसमें मैंने नई वॉच ली थी ये फॉसिल की है एंड सब कुछ पहन लिया है। एक मैंने ये पहना है अपना पेंडेंट, बाकी बेल्ट एंड जो मेरा शूज़ का वो है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है। बाकी या दिस इज़ माई आउटफिट, अभी बस सूट पहनेंगे डायरेक्ट। फिलहाल मैंने लेंस पहने हैं ग्रीन वाले अपने क्योंकि मेरे पास ग्रे नहीं थे। तो या अभी जस्ट पहले मैंने जाना है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर भी दिखा के आता हूँ कैसा लग रहा हूँ भाभी वगैरह को एंड फिर हम सूट पहन के अपना निकलेंगे। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, अब आएगा फाइनल लुक एंड हियर इज माय फाइनल लुक। सो दिस इज माय फेयरवेल आउटफिट एंड जस्ट डू लेट मी नो कैसा लग रहा है। बाकी मेरे को तो अच्छा लगा एंड फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा। और अब तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है। मैंने ये जस्ट ये बेसिक सा डिज़ाइन रखा है, मैंने ज़्यादा वर्क भी नहीं कराया कि ऐसा लगे कि फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ। फेयरवेल पार्टी है तो थोड़ा पार्टी वेयर टाइप एंड वॉच मेरी ग्रे है, बेल्ट मेरी ग्रे है, शूज़ में बस मेरे को एक ये चीज़ अगर ग्रे मिल जाती बस तो बेस्ट हो जाता, बट कोई बात नहीं। एंड पेंडेंट मेरा ग्रे है। सो दिस इज़ द आउटफिट। ऑल राइट गाइस, अभी जस्ट तैयार श्यार होके हम जा रहे हैं फेयरवेल पार्टी में और ये रही हमारी ब्लैक थार, ब्लैक आउटफिट, ब्लैक थार। क्या कॉम्बिनेशन है ना, एंड कितनी खुशी हो रही है सेल्फ अर्न कार में जा रहा हूँ।
बहुत खुशी है मुझे, थैंक यू सो मच तुम सबके वजह से पॉसिबल जो भी है, लव यू ऑल। बाकी अभी चलते हैं, फिलहाल स्कूल पहुंच चुके हैं एंड पार्थ कह रहा है कि एंट्री करवाएगा स्कूल में। क्या बात है भाई, है क्या? तो फिलहाल पार्थ ने एंट्री करा दी, क्या बात है, अभी स्कूल में आ चुका हूँ गाइस। वेल गाइस, स्कूल में आ चुका हूँ, पार्थ ने एंट्री करवा दी। पार्थ और वासु को मैंने कहा था कि लास्ट के 10-15 मिनट मेरे को बुला लेना और बस आ गए हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा। अभी पूरा फन चल रहा है यहाँ पर, सब फोटोज करा रहे हैं एंड भाई स्कूल में एंट्री होगी, मेरे को उम्मीद नहीं थी बट होगी। पार्थ भाई ने करा दी भाई, पार्थ भाई ने छोरे मगलू के कूट दे जहाँ दिखे। जा रहे हैं आफ्टर पार्टी में, क्या बात है। वेल जैसे ही अभी आए हैं तो डीजे वाला लगा ही नहीं है। भाई डीजे क्यों लगवाया तुमने, क्या फायदा हुआ तुम्हारा है भाई, क्या फायदा तुम्हारे ब्लॉगर होने का है भाई। ओ पेटे हार्दिक भाई, छाती दिखाओ, छाती हार्दिक भाई की छाती देखो कितनी बड़ी है भाई। 200 रुपए बता रहा, चल 200 दूंगा, अभी दूंगा, हाथ तो हाथ दूंगा। चिकू चिकू ची आओ, अरे नहीं मैंने अपना लिया है, पूरा पी ले ना, पूरा पी ले। अच्छा था, थोड़ा ठंडा ठंडा लगा। डीजे वाले ने रला दिया, इसने अभी तक डीजे का सेटअप ही नहीं करा, सारे बच्चे रेले पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमने सोचा था रैली निकालेंगे, रैली नहीं निकली, कुछ ना हो रहा। एक गाली दे दे, अरे गाली दे दे, यहां तो व्लॉग बना लेगा ना, जो इसके व्लॉग देखता होगा। नहीं लग रही तू, नहीं लग रही सुंदर। सोना क्लास के तन्ने के साथ टीचर बजा। हेलो हेलो पापा, रोज बहुत लेट आई है गाइस, मेरा काम दरवाजे के लेकर दिल लेकर दिल अम्मा जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना अम्मा जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए Thank you.
लाला भाई स्पीक इंग्लिश अकेले खा रहे हैं ये वाह। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बारी बरसी खटन की आसी। पता नहीं क्या जादू है, अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के। कुत्ते दोस्त, कमीने दोस्त, आई लव यू वाले दोस्त, मासूम दोस्त, दोस्त जिनमें बहुत कीड़े होते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते। अभी जस्ट हम जा रहे हैं माई और ख्वाहिश को छोड़ने। पार्टी ऑलमोस्ट निपट चुकी थी क्योंकि हाँ भाई कैसा मजा आया तुम्हें? Yes. तो अभी बस इन्हें छोड़ के हम फिर वापस जा रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली ना ऑर्गेनाइजर्स हम सारी हैं तो इसलिए हमें थोड़ा वहाँ पे देखना पड़ेगा कि सब कुछ सही है ना। तो चलो ऑल राइट, सारा एंड हो चुका है और बस अभी जा रहे हैं हम घर वापस, चलते हैं। ऑल राइट गाइज, अभी जस्ट पार्टी घर आए थे एंड मैंने अपने लेंस निकाल लिए हैं और अभी बस हम दोस्त लोग थोड़ा इंजॉय करेंगे लास्ट का। बाकी तो ये क्या हाल है लॉन्डो? अभी हम लोग सारे नाइट स्टे कर रहे हैं। चाटा मार दूंगा। पार्थ भाई का नया घर बना है ना तो वो हाउस पार्टी दे रहा है। वो हाउस पार्टी कौन सी दे रहा है भाई? गला बोलिया। गाइस फिलहाल घर आ चुका हूँ एंड सुबह मतलब रात को तुम सो गए थे भाई, सारे थके हुए थे और जिस अभी घर आया हूँ। बाकी हो गया फेयरवेल एंड यार स्क्रिबल डे भी चला गया, फेयरवेल भी चला, इतनी जल्दी चला गया पता भी नहीं चला। सारे पुराने दोस्तों से मिला, बहुत मज़ा मारा यार, बट इतनी जल्दी ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। और अब हो गई भाई स्कूल लाइफ एंड अपनी, अब नई लाइफ स्टार्ट होगी कॉलेज की। बस एग्ज़ाम हुए और बस फिर सब अपने अपने रास्ते। तो या भाई जो है, अगर तुम लोगों की अभी 12th नहीं हुई है, अभी तुम छोटी इसमें, तो इन्जॉय कर लो यार, क्योंकि ये फिर जब टाइम चला जाता है ना तब फिर याद आता है यार कितनी मस्ती करते थे हम बचपन में, कितना सब कुछ करते थे। ये चीज़ें मिस मत करना, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। और बाकी हाँ बहुत मज़ा आया मेरा, तो मतलब मेरे सारे दोस्तों से अच्छा वाला बॉन्ड था तो मेरा कुछ मिस नहीं हुआ था। पर थोड़ा सा कि मैंने स्कूल जो अपना चेंज करा था, बट ऐसा नहीं था कि मैं अपने दोस्तों से अलग था, हम सारे हमारी सारी ट्यूशन सेम है अभी भी और मैं उनसे रोज़ मिलता हूँ, बातचीत होती रहती है। तो कुछ वैसा लगा ही नहीं कि भाई हाँ स्कूल छोड़ा था तो कुछ दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ, अपना सब सॉर्टेड था और बहुत मज़ा आया बाकी। और या बस और क्या करूँ, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हो रहा है कि आज सब मतलब बस हो गया, अब तो पार्टी वार्टी क्या, अब तो हो गया फेयरवेल भी हो गया हमारा, बट कोई नहीं लाइफ का पार्ट है। तुम्हारा भी हुआ होगा जिनका फेयरवेल हो चुका है, तुम्हें भी याद आई होगी। बाकी बताना आप लोग, तुम लोग अपना मेरे को एक्सपीरियंस कैसा रहा था तुम्हारा फेयरवेल। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड आई होप तुम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।